हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में। प्रतिनिधि द्रव्य के बारे में देखेंगे आज। श्लोक देखते हैं सर्वप्रथम। कदाचितम द्रव्य एकम वा योगे यत्र न लभ्यते तदगुणम युत द्रव्य परिवर्तन ग्रहते। कदाचितम द्रव्य एकम वा योगे यत्र न लभ्यते तदगुणम यत द्रव्यम परिवर्तन ग्रहति। प्रतिनिधि द्रव्य उनको बोलते हैं जब किसी योग की में बताई हुई औषधि नहीं मिल पाती तो उन औषधियों के समान गुणयुक्त औषधि लेनी पड़ती है, उसकी आवश्यकता होती है, तो उस द्रव्य को प्रतिनिधि द्रव्य कहते हैं। यानी कि किसी द्रव्य के अभाव में किसी द्रव्य का यूज़ किया जाता है उसके समान गुण धर्म वाला, तो उसको प्रतिनिधि द्रव्य कहते हैं। द्रव्य अभाव में तत्सम प्रयोजक साधक द्रव्य संग्रह करके लाना या कार्य चलाना पड़ता है, उसे प्रतिनिधि द्रव्य कहते हैं। प्रतिनिधि द्रव्य का मतलब होता है कि अगर कोई द्रव्य है उसके अभाव में किसी अन्य द्रव्य का प्रयोग करना, उसको प्रतिनिधि द्रव्य कहते हैं। निम्न कारण से प्रतिनिधि द्रव्य का यूज़ किया जाता है। नंबर एक, जब कोई द्रव्य अप्राप्त हो यानी कि उपलब्ध नहीं हो इस पर। दूसरा पॉइंट है, जब कोई द्रव्य बहुत मूल्यवान हो और रोगी उतना खर्च नहीं करने की स्थिति में न हो। तीसरा कारण है, जब द्रव्य का प्रयोग आवश्यक होता है और उसे उसी रूप में प्रयुक्त करने पर हानि की संभावना होती है, तब प्रतिनिधि द्रव्य लेने पड़ती है। एक नंबर एक कारण क्या है देखोगे तो, जब कोई द्रव्य का अभाव। दूसरा है, जब कोई द्रव्य बहुत मूल्यवान हो, रोगी उतना खर्च करने की स्थिति में नहीं हो। तीसरा है, जब कोई द्रव्य प्रयोग में आवश्यक हो और उसे उसी रूप में प्रयुक्त करने पर हानि की संभावना होती है, यानी कि उसको उसी रूप में प्रयोग नहीं किया है तो हानि हो सकती है, तो उस कंडीशन में अपने को प्रतिनिधि द्रव्य लेने पड़ते हैं। कोई भी प्रतिनिधि द्रव्य के प्रयोग से वह प्रधान औषधि के गुण धर्म संपूर्ण रूप से पूरा नहीं कर सकता, इसलिए प्रतिनिधि द्रव्य मर्यादित लाभ की अपेक्षा रखी जाती है। यानी कि प्रतिनिधि द्रव्य उसका औषध का संपूर्ण कार्य तो नहीं करता पर कुछ कार्य कर सकता है, उसके समान कुछ कार्य कर सकता है। कोई प्रतिनिधि द्रव्य उसके औषधि के गुणधर्म संपूर्ण पूर्ण तो नहीं कर सकता परंतु उसके समान कुछ कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुष्ठ कुष्ठ के बदले पुष्कर मूल का प्रयोग करने पर पुष्कर मूल कुष्ठ की बराबरी नहीं कर सकता किंतु अधिकांश रूप से कार्य की पूर्ति में सहायक होता है। नंबर दो एग्जाम्पल, द्राक्षा। द्राक्षा के अभाव में समान रस विपाक होते हुए भी गंभारी फल से द्राक्षा के समान पूर्णतः कार्य नहीं होता है। यानी दोनों के रस गुण वीर्य विपाक समान है, उसके द्राक्षा के अभाव में गंभारी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो पूरे कर्म तो नहीं कर सकती पर अधिकांश कर्म उसके पूरे कर सकती है। अब हम प्रतिनिधि द्रव्य के एग्जाम्पल देखेंगे। प्रतिनिधि द्रव्य का चयन, चित्रक चित्रक की जगह अपन दंती का यूज़ कर सकते हैं, दारू हरिद्रा की जगह हरिद्रा का यूज़ कर सकते हैं, चंदन और कपूर की जगह रक्त चंदन का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद श्वेत चंदन की जगह कपूर का यूज़ कर सकते हैं, अर्कशील की जगह अर्क पत्र स्वरस का यूज़ करते हैं, तालिश पत्र स्वर्ण तालिश का यूज़ करते हैं, यष्टि मधु की जगह दातकी का यूज़ कर सकते हैं, इक्षु की जगह नल का यूज़ कर सकते हैं, सुवर्ण स्वर्ण माक्षिक यूज़ कर सकते हैं, रजत की जगह रजत माक्षिक यूज़ कर सकते हैं, माक्षिक की जगह स्वर्ण गैरिक यूज़ कर सकते हैं, मिश्री की जगह शक्रा का यूज़ कर सकते हैं, नाग केसर की जगह पद्य केसर नामक तक का यूज़ कर सकते हैं, कांत लोह की जगह तीक्ष्ण लोह यूज़ कर सकते हैं, हरितकी की जगह आमलकी का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार गज पिपली की जगह पिपली मूल का यूज़ करते हैं, द्राक्षा की जगह गंभारी फल का यूज़, तगड़ लागली और पुष्कर मूल की जगह कुष्ठ का यूज़ करते हैं। अष्टवर्ग की औषधियाँ, अष्टवर्ग की औषधि क्या है, जीवक रजवक की जगह विदारीकंद का यूज़ करते हैं, काकोली शीर काकोली की जगह अश्वगंधा का यूज़ करते हैं, रिद्धि वृद्धि की जगह वाराही कंद का यूज़ करते हैं और मेधा महामेधा की जगह शतावरी का यूज़ करते हैं।
तो ये अपने ही थे प्रतिनिधि द्रव्य, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है प्रतिनिधि, जब किसी योग में बताई हुई औषधियाँ नहीं मिल पाती तो उन औषधियों के तत्सम गुण युक्त तो औषधियाँ लेनी पड़ती है, इससे उस औषधि का प्रतिनिधि द्रव्य कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।